ओम शांति परम धाम जाने के इशारे परम पिता परमात्मा समय समय पर हमें अपने घर जाने के लिए इशारा देते रहते हैं आज हम 23वां इशारा अध्ययन करेंगे समय की समीपता का ये पार्ट टू है छह मास ये पंद्रह अक्टूबर 2007 को समझाया था छह मास अभी स्वयं सेवा के प्रति खास विशेष समय दे रहे हैं तो बाप ने भी अपना बना लिया इस खुशी में पलते हुए उड़ते रहे हो ना उड़ रहे हो चल नहीं रहे हो उड़ रहे हो क्यों क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं जो कहते हैं वो करके दिखाना है जो सोचते हो वे स्वरूप में लाना है क्योंकि बाप का वर्षा है जन्म सिद्ध अधिकार मुक्ति और जीवन मुक्ति तो अब संगम पर ही मुक्ति और जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए अभी वो संस्कार अपने जीवन में धारण करेंगे तब तो प्रलब्ध बनेगी तो चेक करो कि सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं सर्व बंधनों से अगर किसी भी प्रकार का चाहे दे का चाहे कोई दे के संबंध का माता पिता बंधु सखा नहीं दे के साथ जो कर्म इंद्रियों का संबंध है उस कोई भी कार्म इंद्रिय के संबंध का बंधन है आदत का बंधन है स्वभाव का बंधन है पुरानी संस्कार आदि का बंधन है तो बाप समान कैसे हुए बाप समान कैसे हुए समान नहीं हुए तो साथ कैसे चलेंगे अभी छ मास बाप दादा देते हैं क्यों क्योंकि अभी सीजन तो शुरू होनी ही है तो छ मास ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं नहीं ज्यादा टाइम दे रहे हैं जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं ऐसे स्वयं को भी स्व के प्रति सेवा स्वय सेवा और विश्व सेवा स्व सेवा अर्थात चेक करना और अपने को बाप समान बनाना तो छह मास अभी स्वयं सेवा के प्रति खास समय दे रहे हैं बाप दादा ने कितने समय से दो शब्द बार बार रिवाइज कराए हैं वे दो शब्द कौन से हैं अचानक और एवर रेडी अचानक और एवर रेडी तो दादी कहती हैं दादी कहते हो ना याद आती है ना आने ही चाहिए क्योंकि नंबर वन थी ना तो वन नंबर विन तो किया ना लेकिन जब भी दादी की याद आवे तो सिर्फ चित्र नहीं चित्र नहीं देखना लेकिन ये याद करो कि मैं एवर रेडी हूं मुझे भी अचानक का पाठ याद है अभी अभी मैं अचानक चली जाऊं तो नष्टो मोहा प्रकृति जीत हूं अभी अभी चली जाऊं यही दादी की सौगात सब अपने पास रखना परमात्म प्यार परमात्म प्यार बहुत पुरुषार्थ में सहयोग देता है तो हर एक बच्चा प्यारा है प्यारे रहेंगे और प्यार के झूले में झूलते हुए बाप दादा के साथ अपने घर चलेंगे वे भी टाइम आ जाएगा जो साथ चलेंगे साथ चलने वाले हो ना पीछे नहीं आना मजा नहीं आएगा मजा है हाथ में हाथ साथ में साथ हाथ है श्रीमत श्रीमत बुद्धि में होंगी आत्मा परमात्मा का साथ होगा और घर चलेंगे जब तक परमात्मा का साथ नहीं तो घर नहीं चल सकेंगे चलने वाले हो ना सभी रह नहीं जाना अभी भी साथ है चाहे किसी भी कोने में हो लेकिन बाप साथ हैं साथ रहेंगे साथ चलेंगे और फिर ब्रह्मा बाप के सात राज्य करेंगे पक्का वायदा है ना बीच में नहीं रह जाना कोई कस्टम की चीज होंगी तो रुक जाएंगी रावण की चीज हुई ना कस्टम जो चीज अलाउ नहीं वो ले आना वो तो रुकेगा ना कोई भी रावण का संस्कार स्वभाव वो धर्म राजपुरी कस्टम में फंसा देंगे और बाप के साथ चले जाएंगे बाकी चले जाएंगे वो फंस जाएंगे और कोई अगर होगा तो कस्टम में रुकना पड़ेगा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वो ध्यान से अच्छा नहीं लगेगा अच्छा नहीं लगेगा ना बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा जब वायदा है साथ का तो सदा साथ रहना तो सदा साथ रहना दादी जानकी से बैठो अभी तो सीट पर सेट होना बाप दादा ने निमित्त बनाया है इस बच्ची को गुलजार दादी को भी निमित्त बनाया दोनों तीनों मिलकर बहुत अच्छी रीति से स्वपुरुषार्थ और विश्व सेवा में और विधि से सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त बनेंगी जो दादी का संकल्प रहा है बाप को प्रत्यक्ष करने का दादी ने भी बटन तो हाथ में लिया दादी ने भी बटन तो हाथ में लिया है लेकिन दबाएंगे तो आप ना आप ही दबाएंगे ना बाबा ने दादी ने शुरुआत शुरु कर दी अब उस काम को पूरा तो आपने करना है ना कितना वंडरफुल पार्ट है जो बाबा ने हम सबको समझाया कि आखिरी समय बाबा के साथ चलना है तो बाबा की श्रीमत पर अपने आप को लगातार आगे बढ़ा दादी के इस कार्य में सहयोगी बनो और विस्तार से जानने के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो नाइन टू वन थ्री वन जीरो सिक्स नाइन एट सिक्स पर केवल टेलीग्राम करें नाइन सिक्स फाइव ज़ीरो सिक्स नाइन डबल टू सेवन जीरो पर केवल व्हाट्सएप करें फोन नहीं ओम शांति